अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारीफ दो। आज के खाने में जो रेसिपी बनने जा रही है, जिसकी खुशबू से आपका पूरा घर महक उठेगा, 3 बिरयानियों पे लेके जिसमें हैदराबादी, बॉम्बे और सिंधी बिरयानियों को मिला के एक नई बिरयानी हम बना रहे हैं। कोयला दम बिरयानी यकीनन बहुत नई होगी आपके लिए, मगर आप बन जाएंगे उसके फैन। आए चल के बनाते हैं कोयला दम बिरयानी। मगर आपसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें। आए जल्दी से बनाते हैं कोयला दम बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, हमारी कोयला दम बिरयानी बेहतरीन तरीन बिरयानी, जिसके लिए यहाँ पे आपको नजर आएगा हमने एक होल चिकन लिया है। होल चिकन को ट्रांसफर करेंगे हमारे मिक्सिंग बोल में और एक बहुत अच्छा मैरिनेशन। और सबसे बड़ी बात ये आसान तरीन बिरयानी, ये एक रात पहले करके रखते हैं, दावत की सुबह कर लें। सारी बिरयानियों का एक ही जो है वो निचोड़ है, यानी कि मैंने बहुत सारी बिरयानी कोयला दम बिरयानी में मर्ज कर दी है। यहाँ आ गई हमारी चिकन। यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम्स दही। यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े लेमन को निचोड़ लिया था। आप ये देखिएगा कि इतनी कोई अच्छी बिरयानी बनेगी। आज आपने मेरी खुशी देख ली होगी कि कितनी जबरदस्त तरीके से मैं कोयला दम बिरयानी आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक बड़े टमाटर को हमने बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ हम शामिल कर देंगे एक टेबल स्पून सॉल्ट, चली जाएगी एक टीस्पून भर के हल्दी, एक टेबल स्पून पिसा गरम मसाला। हमने आज का खाना बनाया था, हमारे डायरेक्टर साहब आपको इसका लिंक भी दिखा देंगे और इसकी तस्वीर भी लगा देंगे। यहाँ पे एक टेबल स्पून भर के पिसी लाल मिर्च, एक टेबल स्पून भर के भुना कुटा जीरा, यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया था। यहाँ पे चली गई 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। यहाँ मैं शामिल कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट। अगर आप नहीं खाते हैं तो वोमिट करते हैं, मगर जो बावर्ची स्टाइल बावर्ची लोग इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद आलू, क्योंकि बिरयानी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जिसमें आलू शामिल किया जाए। बहुत से लोग कहते हैं अगर आलू नहीं है तो बिरयानी नहीं है। यहाँ चला जाएगा 1/2 टीस्पून भर के पीला रंग, जर्दे का कलर यहाँ पे ज़रूरी समझा जाएगा कि अगर हम इसमें बना रहे हैं बावर्ची स्टाइल। यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना, ताकि बहुत अच्छी खुशबू जो है दम पे, जब हम इसको दम देंगे कोयले का, तो पुदीना और हमारी सारी चीज़ों में दम आ जाए अच्छी तरह कोयले का। यहाँ इन सबको मैरिनेशन कर लेंगे, यहाँ सारी चीज़ों को मैरिनेट कर लेंगे। हो गया हमारा मैरिनेशन। इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली ऑयल, जितना कि हमें एक चिकन बनाने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पे 1 प्याली ऑयल आ जाएगा और उसको कवर करके रख दें। कवर करने से पहले कोयला दम बिरयानी है, एक दम आएगा हमारी चिकन पे और एक दम जाएगा हमारे राइस पे। ओ, मैंने अपना सरप्राइज तो रिवील कर दिया। 2 दम आएंगे और बन जाएगी बेहतरीन तरीन बिरयानी। इसको छोड़ देते हैं साइड पे, उसके चावल बॉईल कर देते हैं। दम बिरयानी के लिए हमने पानी प्लेस कर दिया। यहाँ आपको नजर आएगा कि साबुत गर्म मसाले हैं, तेज पत्ता है, दालचीनी है, यहाँ पे काली इलायची, लौंग और हरी इलायची और काली मिर्च है। यहाँ पे 3 टेबल स्पून 175 ग्राम, यानी कि 750 ग्राम चावलों के लिए हमने 3 टेबल स्पून लिया है। जितने नमकीन चावल होंगे इतना मज़े का हमारा बिरयानी बनेगा। यहाँ पे हमारे पास है 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा। पानी में आ गया है जोश, थोड़ा सा और आ जाए तो हम अपने चावल इसमें शामिल कर देंगे। चावल में आ गया दम। यहाँ पे 750 ग्राम, पहले मैंने 75 ग्राम भूल लिए थे जल्दी से, यहाँ हमारे चावल आ गए। इनको अब हम बहुत अच्छी तरह उबालेंगे 75%। यानी कि अगर आसान लैंग्वेज में कह लें कि 2 कनी, और 2 कनी का मतलब ये कि जब चावल को चेक कर रहे हों और अगर 3 टुकड़ों में टूट रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी कनी बाकी है। 2 टुकड़ों में कट रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 कनी बाकी है, और पूरे अगर हम उसे रब करते हैं, मसलते हैं और वो मसल जाते हैं या पिस जाते हैं तो इसका मतलब है कि फुल डन है। तो हमें यहाँ पे 75% उबाल के इनको छान के रख देंगे और हमारी दम बिरयानी का काम शुरू करेंगे। चिकन को मैंने बहुत अच्छा सा रेस्ट दिया था। यहाँ पे मेरी मेरीनेटेड चिकन आ गई हमारे पैन में। यहाँ पे 2 प्याज जितनी लाल
प्याज यानी कि तलावा प्याज मेरे पास रेडीमेड थी, आप पहले से फ्राई करके निकाल लें, यहाँ पे मैरिनेशन में भी डाल लें, मगर फिर बहुत एकदम से गाढ़ा मसाला हो जाता है, पकाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे रेडी टू कुक हमारा मैरिनेटेड चिकन था। अब क्या करेंगे, इसे बस इतना पकाएंगे, अभी तो फिलहाल इतना करेंगे कि इसमें एक अच्छी सी गर्मी आ जाए। हमारा ऑयल भी डला हुआ है अच्छा सा, हमारा जब ये मसाला सारा गर्म हो जाएगा तो ये पानी रिलीज करेगा, पानी रिलीज करेगा तो मैं इसे दम पे लगा दूंगा। इतनी देर में हमारे आलू भी गल जाएंगे, और चूंकि मैरिनेटेड थे काफ़ी देर से मसाले के साथ भी आलू थे, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, इसे पकने देते हैं। अच्छा, ये देखें बहुत अच्छा सा इसमें एक गर्मी आ गई, उबाल आ गया हमारे मसाले में। यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि दम बिरयानी है, इसी मसाले में अच्छी तरह पकानी है, ये अपना वाटर भी रिलीज करेगी, पानी रिलीज करेगी, यहाँ पिसे हुए टमाटर, दही, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे क्या करना है, इसको लगाना है एक प्यारा सा ढक्कन, और प्यारा सा ढक्कन लगा के इसको ले जाएंगे मीडियम टू लो, और तकरीबन 20 मिनट के लिए अच्छी तरह दम को पका लें। चलें, अच्छा सा 15 मिनट का, और सारी चीज़ें गल गई, बेहतरीन सही खुशबू दम की। और अब हम इसमें शामिल करेंगे लवाजमात बिरयानी के, जिसमें पुदीना है, धनिया है, और टमाटर के स्लाइसेस हैं। एक टमाटर ले लें, हल्दी ज़रूरत, धनिया ले लें, पुदीना ले लें, और कलर देखें कितना खूबसूरत आया। आ जाएंगे हमारे चावल, चावलों को अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब हम एक और दम लगाएंगे जो है कोयले का। ये हमारे आगे मासूम से कोयले लग जाएगा, ऑयल पहले हम साइडों पे लगाएंगे ताकि अच्छी शाइन आ जाए, और कोयले पे भी आ गया हमारा ऑयल, यहाँ लग गया दम। पहले जो है हम इसको 2 मिनट के लिए बहुत हाई फ्लेम पे, और इसके बाद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम दे देंगे। टोटल 15 मिनट का दम आ गया, और हमारा थोड़ा सा काम बाकी है कि अब हम क्या करेंगे, दम बिरयानी को, चावलों को और चिकन को अच्छी तरह से अपसाइड डाउन करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट का दम फिर देंगे। लगाएंगे ढक्कन और 2 मिनट का दम और दे दें। 2 मिनट का एक बहुत प्यारा सा दम, चूल्हा बंद, और थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, ये देखें ये दम की खुशबू, और कोई एक ऐसी फेस्टिविटी फील हो रही है मुझे कि जैसे को पता नहीं क्या चीज़ बनी है ये, यकीन मन। अब इसका दम को हम नहीं तोड़ेंगे, इसको हम डिश आउट करते हुए आपको दिखा दूंगा कि क्या चीज़ बनी है, यकीनन आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दम बिरयानी और बहुत ट्रेंडिंग में है बारबेक्यू बिरयानी, और साथ में हैदराबादी और जिससे कहते हैं बॉम्बे बिरयानी, इन सब का एक बेहतरीन मिक्सचर मैंने आज यहाँ बनाया, इसको आपको प्रेजेंट करते हैं।